बॉकेट सिलेंडर की सील डालेंगे आज इस वीडियो के अंदर, पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलाम मोहम्मद है। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सैनी मशीन 140 बॉकेट सिलेंडर की सील डालेंगे। सील के बारे में आज बात करेंगे जो इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो एंड तक देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए मेरे चैनल पर तो चलो चलते हैं बॉकेट सिलेंडर को, फिर पहले खोलते हैं, फिर उसके बाद में सील डालेंगे। पूरा रिव्यू इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इस बॉकेट सिलेंडर की सील डालेंगे आज। पहले एलेंगी से इसके सारे बोल्ट खोल लेंगे धीरे धीरे करके, फिर इसको पेचकस और हथौड़े की चोट से धीरे धीरे ठोक के दोनों तरफ ठोक के इसको लाइन को जगह छुड़ाएंगे, फिर इसको बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे खींच के बाहर निकालेंगे, नहीं तो एकदम खींच के बाहर निकालेंगे तो रोड नीचे गिर सकती है। ले जाके रोड को धीरे से एकदम रोड को टप्पे पर मेल देंगे ताकि कोई स्क्रेच ना आए। अब इसको चलो सील देखते हैं, कौन सी सील ज़्यादा कटी है और कौन सी कम कटी है। तो पिस्टन वाली सील है वो तो कम कटी है, और ग्लाइंड वाली सील है वो ज़्यादा कटी है। चकनट के ऊपर एक एलिंग की बोल्ट आता है, उसको ओपन एलिंग की से खोलेंगे धीरे धीरे हथौड़ी की चोट से, ताकि एलिंग की भी स्लिप ना होए, और पाइप लगा लेंगे इसके अंदर। पाइप की सहायता से एलिंग की बोल्ट को अपन बाहर निकालेंगे। पाइप बोल्ट को खोल लेंगे, क्या थोड़ा सा टाइट आता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ट्यूब के अंदर एक बार देख लेंगे कोई स्क्रेच वगैरह तो नहीं है, नहीं तो सील डालेंगे और वापस लीकेज हो जाएगी, इसलिए पहले देख लेते हैं ट्यूब के अंदर कोई स्क्रेच तो नहीं है। क्लाइंट की सील डालेंगे, मेन सील डाल दी है और ओरिंग बड़ी वाली डाल देते हैं अच्छी तरह से बैठा के। इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो कट सकती है किसी औजार से। ये एक और डाल दी सील इसमें, अब ये डट सील डाल देते हैं धीरे धीरे पाने की सहायता से। इसको ठोक के पेट सील डाल देंगे, और इस पे एक चारों तरफ से धीरे धीरे ठोक ठोक के
इसको बेटा देंगे। ताकि ये सील अच्छी तरह से ब्लाइंड के अंदर बैठ जाए और उस तरफ लॉक लगा देंगे रेड सील के ऊपर। अब ये पिस्टन के ऊपर मेन सील डाल दिए, ये साइड वाले दोनों पट्टे हैं पट्टे डाल देते हैं, एक इस तरफ डाल देते हैं। अच्छी तरह से देख लेते हैं, अब साइड वाले पट्टे डालेंगे। ये पट्टा थोड़ा सा बड़ा है तो अपन को क्या है कि पहले वाला ही काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा साइज में बड़ा है। इसलिए अब ये ग्लाइंड को रोड के अंदर बैठाएंगे। तो ये बुश है, बुश बैठाएंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद में चकनट वो पिस्टन लगाएंगे। ये पिस्टन है, पिस्टन डाल देते हैं, सीले डाल दी इसके अंदर। पिस्टन को अब कसेंगे, धीरे धीरे इसको टेप बुश तक कसना है अपन को। लिंकी लगा के बुश तक चला गया। थोड़ा और कसेंगे इसको, चकनट लगा दिया, अब चकनट को कसेंगे प्रिंच पाने से। ताकि वापस खुले नहीं, मशीन चलाते वक्त ये खुल गया तो पूरा काम गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से टाइट करेंगे प्रिंच पाना से और थोड़ी मार कर। अच्छी तरह से टाइट करेंगे इसको। अब इसके अंदर एक गोली डालेंगे, गोली डाल दी और इसके ऊपर एलन की अंदर वाला बोल्ट है वो कस के, अच्छी तरह से कस के उसके ऊपर फिर बाद में चेने से चोट मारेंगे उस पर कि वो लिंक की बोल्ट खुले नहीं। जब अपन खोलेंगे तभी खुलेगा ये, बाकी नहीं खुलेगा। अभी तक टाइट हो रहा है, ये देख नज़दीक ले जाके आपको बता देते हैं, बताते हैं। अभी तक टाइट हो रहा है। अब पाइप लगा के इसको कसेंगे, अच्छी तरह से कसना पड़ेगा इसको। ये देखो, ये चीने से इसके दोनों साइड से कॉलर दबा देनी है, ऑटोमेटिक ये खुले नहीं। तब तक ये नहीं खुलेगी तब तक चकनट नहीं खुलेगा। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि अपन पिस्टन और रोड को अंदर डालेंगे तो उसमें
अंदर डालने में आसानी होगी, सील नहीं कटेगी। दोनों पे लगाएंगे ऑयल। अब रोड डालते हैं सिलेंडर के अंदर। बिल्कुल अच्छी तरह से मिला के डालना है, नहीं तो सील कट जाती है। अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम सेंटर में मिला के डालना पड़ेगा इसको, नहीं तो सील कट जाती है। आराम आराम से देख के पीछे से धक्का लगाना पड़ेगा इस पर। अब बोल्ट कसेंगे इसके। एलएम की बोल्ट है, बोल्ट टाइट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए सलाम वालेकुम।